हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं न्यू रेसिपी डालूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक कॉर्न सूप, जो कि बहुत ही हेल्दी सूप है और बहुत अधिक फाइबर और आयरन से भरपूर है। और ये वेट लॉस सूप है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये सूप आप लें और आपका वेट ज़रूर कम होगा। तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और फाइबर हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, के तो सबसे पहले मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैंने 1 गिलास वाटर डाला है। उसके अंदर हम डालेंगे अदरक और गार्लिक, और क्योंकि इसके अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ हम डालेंगे 2 टमाटर और जो हमने पालक साफ़ करके धो करके लिया है 1 बंच वो लेंगे, 1 ओनियन लेंगे इसके साथ। ये वेट लॉस सूप है इसलिए इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें डालनी है। उसके बाद हमको 1 विसल लगा लेना है। उसके बाद देखिए ये बॉईल हो चुका है, और इसके बाद हम जो है आप देख सकते हैं जो टोमेटो है उसका छिलका हम निकाल लेंगे और उसको हम एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल लिया है और ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं ऐसा स्मूथ पेस्ट हमें बना लेना है। और हमें इसे आप चाहें तो छान सकते हैं, लेकिन हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो हम छानेंगे नहीं इसको, इसी तरह से हम बनाएंगे। ये मैंने लिया है 1/2 कॉर्न और ये मैंने गार्लिक लिया है। अब इसको हम एक तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई लिया है, उसमें बटर डाला है, बटर, घी, ऑयल जो भी आपको हो वो डाल सकते हैं। यहाँ बटर के साथ मैंने थोड़ा सा रिफाइंड भी डाला है ताकि बटर जले नहीं। यहाँ पर हमने डाल दिया है गार्लिक, मैंने 3 से 4 गार्लिक लिया है जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तो बिना तड़का दिए भी आप इसको पी सकते हैं, अगर दिन में आप 2 से 3 बार पिए तो आपका वेट लॉस होगा। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पे कॉर्न जो है उसको हमने पहले से बॉयल किया हुआ है, बस यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस बटर के साथ। उसके बाद जो मैंने ये देख रहे हैं आप, मैंने जो बना लिया था स्मूथ पेस्ट उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हमारा देखिए भून गया है। इसके बाद हम यहाँ पे वो जो पेस्ट बनाया है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और उसके बाद इसके अंदर हमें 1 से 2 मिनट पकाना है। यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको छाना नहीं है और हमारा थिक है। और यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है 1/4, तो ये हमने इससे टेस्ट और बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसे पका लेंगे और इसको हम गर्म गर्म पियेंगे। तो ये मेरा रेडी हो गया है, मैं सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है, और तो इसको आप पिए और आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। 2 से 3 बार दिन में पिए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा पालक कॉर्न सूप कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को बटन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड डे, टेक केयर।